तो नमस्कार सभी को। 2 दिन पूरे हो गए हैं, आज हम लोग तीसरे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो रीकैप का और क्वेश्चन आंसर का जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन ये है कि अगर पहले दिन और दूसरे दिन में या किसी भी है ना प्रीवियस डे में जितनी भी बात शेयर हुई, जितने भी है ना कंसेप्ट्स या प्रपोजल्स है ना शेयर किए गए, उसमें अगर कुछ गैप रह जाते हैं, उसको अगर जब आप शाम के समय एक्सप्लोर करने जाते हैं, उसमें अगर कोई डाउट बनते हैं तो उनको भर सके कुछ समझने के अर्थ में, है ना, और उनको पूरा कर सके। ताकि जो पहले दिन कह रहे थे राजुल जी कि ये वन लाइन लॉन्ग सेंटेंस है विच इज बीइंग स्पोकन ओवर 5 डेज, तो वो पूरा सेंटेंस की जो कनेक्टिविटी है, एक शब्द जो दूसरे शब्द से जुड़ा हुआ है और सारे 5ों दिन का जो एक साथ जुड़ाव है, हम उसकी कनेक्टिविटी के साथ ही आगे की बात कर सके। तो एक बार 2 दिन का जो बात हुई उसको मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ। फिर आज हम जो है परिवार के बारे में बात करने वाले हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ठीक से कहें तो पूरे वर्कशॉप का स्पाइन है ये। तो परिवार में हमारा जीना हो ही रहा है, अच्छी बात यह है कि अभी आप परिवार में ही बैठे हैं। तो एक मैं रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि जो लोग आपके परिवार के मेंबर्स अगर टाइम निकाल सकते हैं तो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में अगर वो जुड़ जाते हैं, आपके साथ बैठ जाते हैं, तो बहुत उसका बेनिफिट रहेगा। मतलब काफी मैं इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ। अगर फैमिली मेंबर्स, अगर आपके स्पाउस बैठ सकते हैं, या आपके बच्चे बैठ सकते हैं साथ में, या आपके पेरेंट्स बैठ सकते हैं, इन लॉज बैठ सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप उनको रिक्वेस्ट कर लीजिए, और जो लोग काम अपने काम को मैनेज करके बैठ सकते हैं तो थोड़ा वो समय निकालें, तो आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बार मैं रिकैप शुरू करता हूँ। आज तीसरे दिन में हम लोग जी, हेलो हेलो हाँ भैया, आवाज आ रही है आपकी। जी, बात यहाँ से शुरू की थी कि हम सब मानवीय समाज की कल्पना करते ही हैं। तो मानवीय समाज का इतना ही मतलब है कि हम एक बेहतर समाज चाहते हैं, एक सुंदर समाज चाहते हैं, जहाँ पे सब लोग मिलजुल के रह सके, हर आदमी दूसरे आदमी के पूरक हो, और एक हम सुंदर व्यवस्था में जी सके, है ना, इतना मतलब है। इसको अगर देखने जाए तो ये बात ध्यान में आती है कि मानवीय शिक्षा संस्कार के साथ हम हर अपने बच्चे में, हर विद्यार्थी में मानवीय दृष्टि का उदय कर सकते हैं। मानवीय दृष्टि का मतलब इतना है कि वो अपने को, वो कौन है क्या है उसको समझ सके, दूसरे लोग कौन है क्या है उसको समझ सके, और इस पूरी कुदरत को समझ सके। इतना अगर हम बच्चे की दृष्टि पे काम कर पाते हैं तो फिर ह्यूमन वैल्यूज को भी वो समझ पाता है, दूसरे लोगों के साथ जीना कैसे है, नेचर के साथ जीना कैसे है, वो इसको भी पहचान पाता है। इतने के साथ जब वो स्किल्स के लेवल पे काम करने जाता है, तो वैल्यूज के साथ जब वो स्किल को एंश्योर करता है, तो ह्यूमन कंडक्ट के साथ जी सकता है, डेफिनेट कंडक्ट के साथ जी पाता है। और ऐसा डेफिनेट कंडक्ट के साथ, ह्यूमन कंडक्ट के साथ जीता हुआ व्यक्ति इस ह्यूमेन सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूटर हो जाता है। इतनी बात की गई थी। गाइडलाइंस के बारे में बहुत जोर दे के बात की गई थी कि मूल्य शिक्षा का, वैल्यू एजुकेशन का जो कंटेंट होगा वो यूनिवर्सल होना जरूरी है, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि हम सभी के साथ ठीक जी सके। तो अगर सभी के साथ अच्छे से जी सकें, उसके लिए गाइड अगर यूनिवर्सल होगा कंटेंट, तो फिर यह है कि हर एक के साथ जीने में हम बात हर एक के साथ आसानी से जी पाएंगे। फिर वो रैशनल भी हो, लॉजिकली बच्चा उसको देख सके, समझ सके, और वेरिफिकेशन भी पॉसिबल हो, बच्चा अपने में वेरीफाई भी कर सके, और साथ साथ जो भी बात हो वो हारमनी की ओर लेके जाए, सुख की ओर लेके जाए, संगीत की ओर लेके जाए। तो ऐसी वैल्यूज के साथ जब हम स्किल्स देने जाते हैं, तो जो स्किल्स होती हैं वो वैल्यूज गाइडेड होती हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्किल्स को कमाने के बाद उन स्किल्स का बच्चा सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा, उसका कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो वैल्यूज के साथ जब स्किल्स देने जाते हैं, तो ये समझ में आता है कि बच्चा जो है ह्यूमेन सोसाइटी के अर्थ में ही कंट्रीब्यूशन करेगा, वो जो कुछ भी करेगा। और फिर वही बच्चा जो वैल्यू गाइडेड स्किल के साथ बड़ा होता है, तो वह एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए बात काम करने लग जाता है। और इसी बात को दूसरे अर्थों में हमने कहा था कि 3 काम है करने वाले, राइट अंडरस्टैंडिंग इन वन सेल्फ, रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग्स, एंड फिजिकल फैसिलिटी विद रेस्ट ऑफ नेचर। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है हारमनी को समझना, हारमनी को समझने का मतलब है चारों लेवल पे हारमनी को समझना, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, एग्जिस्टेंस। इतने की क्लैरिटी के साथ जब बच्चा जीने जाता है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जी पाता है। वही सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीता हुआ बच्चा जब रिलेशनशिप में जीता है, तो उसमें जस्टिस की फीलिंग के साथ जीने का माइंडसेट होता है। जस्टिस को जब देखने जाते हैं, तो वो अपनी फैमिली में भी जस्टिस के साथ जी पाता है,
और फिर बड़े परिवार में भी वो जस्टिस की फीलिंग के साथ जी पाता है, तो खुद सुखी होता है और म्यूचुअल हैप्पीनेस के लिए काम कर पाता है। इसका फाइनल सैचुरेशन पॉइंट देखें तो अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी में वो पार्टिसिपेट करने लग जाता है, और अगर नेचर के लेवल पे जब वो जीने जाता है, जब वो लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेट करने जाता है, तो अपनी फैमिली में भी ऑर्डर के लिए काम करता है और वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर तक जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है। तो फाइनेस्ट अगर पॉइंट देखें, स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेस्ट अचीवमेंट का पॉइंट देखें, तो राइट अंडरस्टैंडिंग को एंश्योर करना ये फाइनेस्ट अचीवमेंट है इन द सेल्फ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। फाइनेस्ट अचीवमेंट बाहर क्या है कि अनडिवाइडेड सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए बच्चे का माइंडसेट तैयार हो जाए, ये उसकी एक्सप्रेशन की फाइनेस्ट अचीवमेंट है। इतना के साथ अगर बच्चा जी पाता है तो दैट इज लाइक लिविंग इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखेंगे तो तीनों को इंश्योर करना ही होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सही समझ को भी, संबंध को भी और सुविधा को भी। इसी को अगर हम जब अनफोल्ड करने का तो ये ध्यान में आया, समझ का मतलब है चारों लेवल की हारमोनी को समझना और चारों लेवल की हारमोनी में जीना। जो समझने का काम है ये एजुकेशन का काम है, जीने का जो काम है ये संस्कार का काम है। तो एजुकेशन और संस्कार, अंडरस्टैंडिंग और लिविंग, तो हारमोनी को समझना ये अंडरस्टैंडिंग है, ये एजुकेशन है। हारमोनी में जी पाना ये संस्कार है, ये लिविंग है, और दोनों को ही सुनिश्चित करना जरूरी है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का कंटेंट इतना है, चार लेवल की हारमोनी को समझना और चार लेवल की हारमोनी में जी पाना। अगर प्रोसेस को देखेंगे तो प्रोसेस का मतलब इतना है कि जो भी बात हम लोग सुनते हैं, यहाँ से सुन रहे हैं, कहीं और से सुनते हैं, वो हमारे लिए सब प्रपोजल है और उसकी हम जांच परख कर सकते हैं, और जांचने का जो बेसिस है वो हमारे अपने अंदर है नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो एक तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे जांच के देखना है, और उसका एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन भी करना है। तो एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन की जगह दो है, दूसरे ह्यूमंस के साथ और नेचर के साथ। जब ह्यूमंस के साथ जीने जाते हैं और आउटकम अगर म्यूचुअल हैप्पीनेस आता है तो वो प्रपोजल ठीक है, वो मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। और अगर नेचर के साथ जीने जाते हैं तो अगर आउटकम म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी आ रहा है, मतलब मेरी भी प्रोस्पेरिटी और नेचर की भी प्रोस्पेरिटी, तो वो प्रपोजल ठीक है, तो वो मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। तो ये प्रोसेस है। तो हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को जब समझने गए तो ये ध्यान में आया कि जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है वो तो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी है। सुख को जब डिफाइन करने गए तो ये बात ध्यान में आई कि सुख का मतलब हारमोनी में जीना है। तो हारमोनी को समझना और हारमोनी में जीना, ये सुख का मतलब है। तो सुख को देखने गए तो सुख को एक्सप्लोर करने गए तो अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझ पाना, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग जी पाना, ये सुख की बात है। जब प्रोस्पेरिटी को समझने गए तो ये ध्यान में आया कि द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। तो एक तो ये है कि अपनी नीड का आइडेंटिफिकेशन कर पाना और उससे ज्यादा की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर पाना, ये प्रोस्पेरिटी का मतलब। फिर अगर ह्यूमन बींग को समझने गए तो ये ध्यान में आया कि ह्यूमन बींग इज ए कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, बॉडी भी है और सेल्फ भी है। बॉडी की नीड देखें तो फिजिकल फैसिलिटी है जैसे कि फूड, सेल्फ की नीड देखें तो हैप्पीनेस है जैसे कि रिस्पेक्ट। बॉडी की जितनी भी नीड्स हैं वो सब टेम्परेरी दिखाई देती हैं, सेल्फ की जितनी भी नीड्स हैं वो कंटिन्यूस दिखाई देती हैं। फिजिकल फैसिलिटी की जो नीड है बॉडी की, इसका जो फुलफिलमेंट है वो फिजियोकेमिकल थिंग से ही पूरा होता है। जो सेल्फ की नीड है हैप्पीनेस की, रिस्पेक्ट की, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की, ये तो राइट अंडरस्टैंडिंग से, राइट फीलिंग से ही पूरा होता है। ये बात सारी की सारी बात आपके लिए प्रपोजल ही है, जितनी भी बात हो रही है इसकी जांच परख करनी है बार बार। फिर बॉडी के लेवल पे अगर रिस्पॉन्स को देखने गए तो बॉडी के लेवल का रिस्पॉन्स जो है वो पहले से ही डेफिनेट है, पहचानना निर्वाह करना हो ही रहा है। तो अगर गर्मी में देखेंगे तो बॉडी गर्म हो जाती है, ठंड में देखेंगे तो बॉडी ठंडी हो जाती है, निश्चित है। तो गर्मी का महीना है और अगर विचार बहुत अच्छे हैं तो बॉडी गर्म नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। सर्दी का महीना है और मैं बहुत सुंदर विचारों का मालिक हूँ, उससे मेरी बॉडी ठंडी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होगा। तो मेरे विचार कैसे भी हों लेकिन बॉडी का जो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ जो रिकग्निशन और फुलफिलमेंट है वो निश्चित है। तो अगर हम कोई न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो बॉडी को नर्चर करेगा, लेकिन अगर हम कोई पॉइजनस फूड खाएंगे तो बॉडी को एक्सप्लॉइट करेगा, तो ये डेफिनेट है। सेल्फ के लेवल पे देखने जाए जो पहचानना और निर्वाह करना है, जो रिकग्निशन और फुलफिलमेंट है, ये तो हमारे अजम्पशंस और नोइंग पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारे अजम्पशंस जो हैं वो नोइंग पे डिपेंडेंट हैं तो हमारे अजम्पशंस भी डेफिनेट होते हैं और हमारा रिकग्निशन फुलफिलमेंट भी। हेलो
हेलो ठीक है जी, भैया, आ रही आपकी आवाज आवाज आ आ रही रही है। जी। तो और अगर नोइंग को देखने जाएं तो नोइंग के बारे में ये बात हमने समझ की कोशिश की थी कि अगर नोइंग को देखने जाएं तो नोइंग का काम कहाँ होना है, तो सारा जानने का काम जो होना है वो तो सेल्फ में होना है। सेल्फ में भी देखने जाएं तो सेल्फ में भी कहाँ होना है, तो हमारी इमेजिनेशन में होना है। और ये बात भी ध्यान में आई थी कि इमेजिनेशन ही हमारे बिहेवियर और हमारे वर्क का बेस है। तो अगर हमारा बिहेवियर और हमारा वर्क जो बाहर हो रहा है, अगर हम उसके बेस को देखने जाएं तो इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में अगर हारमोनियस फीलिंग चलती है तो बिहेवियर और वर्क में हारमोनी आती है। इमेजिनेशन में अगर जो है कंट्राडिक्शन चल रही है तो बिहेवियर और वर्क में भी कंट्राडिक्शन आएगी। अब ठीक से देखें तो हमने फिर अपने इमेजिनेशन के सोर्स को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, और ये ध्यान में आया था कि जो इमेजिनेशन का सोर्स है वो ये तीन सोर्स है। एक सोर्स है प्री कंडीशनिंग, एक सोर्स है सेंसेशन, एक सोर्स है नेचुरल एक्सेप्टेंस। हमारी जो इमेजिनेशन है, हमारी इमेजिनेशन का जो मोटिवेशन है, ये इन तीन सोर्सेस से हो सकता है। अब इतना ही सी बात है कि अगर हमारे इमेजिनेशन का सोर्स भी डेफिनेट होगा तो हमारी इमेजिनेशन भी डेफिनेट होगी, लेकिन अगर हमारी इमेजिनेशन का सोर्स ही इनडेफिनेट है तो इमेजिनेशन कैसे डेफिनेट हो सकती है। तो सेंसेशन के बेसिस पे देखने जाएं, सेंसेशन के बेसिस पे जो इच्छाएं करते हैं, अगर हम उनको कंटिन्यू करने की कोशिश करें तो वही इच्छा हमारी दुख में भी बदल सकती है। वही कपड़ा जो बहुत पसंद है, जिसको हम बड़े चाव से खरीदते हैं, अगर हमको वो पूरा दिन और एक हफ्ता पहनना पड़े तो हमको लगता है कि हमारे को कैद हो गई है इस कपड़े के साथ। हम तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, वो उससे हम बोर हो जाते हैं, बदल जाता है वो। अगर ठीक से देखें, प्री कंडीशनिंग को भी देखें तो प्री कंडीशनिंग भी हमारी बार बार समय के साथ, सिचुएशंस के साथ, हमारी अपनी मानसिक अवस्था के साथ बदलती रहती है ना। तो पहले हमको लगता है कि जो है घर बनाना बड़ा काम है, फिर हमको कभी लगता है कि करियर बनाना एक इम्पोर्टेंट काम है, फिर कभी हमको लगता है कि अपना जो है सेल्फ डेवलपमेंट करना एक इम्पोर्टेंट काम है, फिर कभी लगता है लाइफ में ऐश करनी है, फिर कभी लगता है आध्यात्मिक विकास करना है। तो ये मान्यताएं भी हमारी समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए हमारी इच्छाएं बदलती रहती है, हमारी इमेजिनेशन बदलती रहती है। कभी तो हमको किसी व्यक्ति पे बहुत प्यार आता है, कभी हमको अपने बच्चों पे बहुत प्यार आता है, कभी हमको अपने ही बच्चों पे गुस्सा आता है। तो अगर हम संबंध की क्लैरिटी ना हो, अगर हम संबंध के बारे में स्पष्ट ना हो, तो हमारी संबंध को लेके बहुत सारी अजम्पशंस काम करती रहती हैं, प्री कंडीशनिंग काम करती रहती है। तो अगर संबंध के बारे में ये क्लैरिटी ना हो कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी से जीना है, तो क्या होता है फिर हम जो है कई बार अपने अपने परिवार को देखें तो हम अपने परिवार के मास्टर हो जाते हैं। तो हमको ये लगने लगता है इस परिवार को चलाने की जिम्मेवारी तो मेरी है और इन सब लोगों को मेरे ही अकॉर्डिंग चलना है। तो बेसिकली ये सब अगर जब समझने जाते हैं तो ध्यान में आ सकता है कि ये सब जो है प्री कंडीशनिंग है, ये बदलता रहता है। अगर इसी बात अगर इमेजिनेशन का सोर्स हमारा ऐसा हो जाए जो समय के साथ, पर्सन के साथ, प्लेस के साथ, सिचुएशन के साथ नहीं बदलता, तो फिर हमारा इमेजिनेशन भी स्टेबल हो सकता है, डेफिनेट हो सकता है। तो ये जो नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात है, इसी को ही बार बार जो है हमको फोकस करना है कि हम अपनी अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखने जाएं तो ये पर्सन के साथ, प्लेस के साथ, सिचुएशन के साथ नहीं बदलती। जैसे मैं जब छोटा था तब भी सुखी होना चाहता था, मैं आज भी सुखी होना चाहता हूँ और मैं फ्यूचर में भी सुखी होना चाहूंगा। मैं आज भी रिलेशनशिप में जीना चाहता हूँ, मैं 20 साल पहले भी रिलेशनशिप में जीना चाहता था, मैं 20 साल बाद भी रिलेशनशिप में जीना चाहूंगा। मैं आज भी नेचर को नर्चर करना चाहता हूँ, मैं पहले भी नेचर को नर्चर करना चाहता था और मैं फ्यूचर में भी नेचर को नर्चर करना चाहूंगा। चाहना मेरी जो है वो हमेशा हमेशा एक जैसी बनी रहती है, करना भले ही मेरे उसके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन मेरी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है ये हमेशा हमेशा एक जैसी बनी रहती है। इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता क्योंकि ये प्योर है। तो इस प्योरिटी को ही हमको समझने का काम करना है। बार बार अगर हम इस बात को पूछें कि आदमी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो प्योर है, आदमी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो उसकी पवित्रता हमेशा बनी रहती है, तो जहां तक ये नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखने जाएं, इसके बारे में हम एक्सप्लोर करके समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है ह्यूमन बीइंग के अंदर जो निश्चल है, जो प्योर है, जो कभी भी नहीं बदलती, जो अनकरप्टेबल है, जो जो ना इनवेरिएंट है। तो अगर हमारी इमेजिनेशन का सोर्स हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस हो जाए, अगर हमारी इमेजिनेशन हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस से गाइडेड हो जाए, तो हमारी इमेजिनेशन स्टेबल और ऑर्गेनाइज हो सकती है। एज ए रिजल्ट मेरा बिहेवियर और मेरा वर्क ये भी ऑर्गेनाइज हो सकता है। ठीक से देखने जाएं तो सेंसेशन को देखें तो ये भी एक तरह का एनस्लेवमेंट है ना। प्री कंडीशनिंग को देखने जाएं तो ये भी एक तरह का एनस्लेवमेंट है। हम इसको एनस्लेवमेंट क्यों कह रहे हैं? एनस्लेवमेंट तो एक शब्द, एनस्लेवमेंट का मतलब इतना ही है कि ये मेरी इच्छा नहीं है,
ये मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस से है ना निकली हुई इच्छा है, ऐसा नहीं है। ये तो मेरे अंदर किसी दबाव में या किसी प्रभाव में मेरे अंदर डंप हो गई इच्छा है। जैसे हमारे पड़ोसी के घर टीवी आ गया और हमारे परिवार में भी ये लगने लग गया कि हमारा टीवी बहुत पुराना हो गया, हमको भी है ना इसको इस दौर में अब समाज के साथ बराबर है ना होके चलना है। तो कहीं ना कहीं ये मेरी प्री कंडीशनिंग है। मेरी अपनी गाड़ी ठीक चल रही है और मेरे पड़ोसी ने एक लग्जरी कार ले ली, उससे अगर मेरे अंदर भी जो है ये प्रभाव बन गया कि मुझे भी अपने पड़ोसी से आगे निकलना है, मुझे भी इससे बढ़िया गाड़ी लेनी है, तो ये मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस है या मेरी प्री कंडीशनिंग है, हम इसको चेक कर सकते हैं। मेरा पेट भरा हुआ है और मैं बाजार गया और मुझे स्वीट शॉप पे गरम गरम गुलाब जामुन या जलेबी बनती दिखाई दे गई और उससे मुझे लगने लग गया कि पहले इसको खाओ बाकी सामान बाद में लेंगे, तो ये भूख से पैदा हुई इच्छा नहीं है, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस से निकली इच्छा नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं सेंसेशन से मोटिवेट हुई इच्छा है। तो इसी कारण से कह रहे हैं कि ये दोनों ही एक तरह की एनस्लेवमेंट है, ये हमारी इच्छा नहीं है, हमारे अंदर डंप हो गई इच्छा है। इसी तरह से हजारों हजार इच्छाएं हमारे अंदर डंप हो ही रहती हैं जिनको हम देख नहीं पाते, क्योंकि अपनी इमेजिनेशन को भी समझना है, अपनी इमेजिनेशन को भी ध्यान देना है, ये अभी हमारी प्रायोरिटी में भी कई बार नहीं होता। इसीलिए ये बात कही गई कि जब हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस के ऊपर अगर हमारी इच्छाएं बेस होती हैं तो हम सेल्फ ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि इच्छाएं अब यहाँ से जो पैदा हो रही हैं वो मेरी नीड को आइडेंटिफाई करके तैयार हुई इच्छाएं है ना। तो अगर मुझे घर बनाना है तो फिर मैं ये नहीं देखता कि पड़ोसी से अच्छा घर बनाऊं, फिर मैं ये देखता हूँ कि कितने कमरे के घर की हमको जरूरत है, किस तरह के घर की हमको जरूरत है, कितने मेंबर की नीड को केटर करना है, इसके हिसाब से हम इच्छा तैयार करते हैं। तो यहाँ से जो इच्छा तैयार होती है ये हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस से तैयारी इच्छा है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब इतना ही है, ये मेरा पूरा इमेजिनेशन मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे गाइडेड हो जाए, इससे गाइडेड हो जाए। इस तो नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझ लें, पूरी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे अपने इमेजिनेशन को अलाइन कर लें, इतना काम है। इतना अगर हो पाता है तो मेरा बिहेवियर भी हार्मोनियस होता है, मेरा वर्क भी हार्मोनियस होता है, मेरी सोसाइटी में पार्टिसिपेशन भी हार्मोनियस होती है, मैं अपने में भी सुखी होता हूँ, जब मैं बिहेवियर करने जाता हूँ तो मैं दूसरों के साथ भी ठीक जीता हूँ तो उससे दूसरे भी सुखी होते हैं। तो ये सुख का मतलब। बॉडी की बात करने गए थे तो ये बात की थी, अगर बॉडी के लेवल पे हेल्थ होना है तो उसके लिए सेल्फ में रेगुलेशन होना जरूरी है, सेल्फ रेगुलेशन होना जरूरी है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द बॉडी फॉर नर्चरिंग, फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर राइट यूटिलाइजेशन। और इसकी जो नर्चर, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है फिजिकल फैसिलिटी की, वो भी लिमिटेड है ना इस बात को। फिर हेल्थ को देखने गए तो ये बात ध्यान में आई थी कि इनटेक, डेली रूटीन और लेबर, ये तो हर ह्यूमन के लिए करने लायक काम है। इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी, इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी, इनटेक के बारे में डिटेल में बात हुई तो हवा, पानी, धूप पहला इनटेक है ना, फिर न्यूट्रिशियस फूड, फिर डेली रूटीन भी अगर हम ठीक कर पाए है ना, फिर हम लेबर भी कर पाए ताकि उससे कुछ प्रोडक्शन भी हो। तो अगर सीधा सीधा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो कम से कम घर में भी बहुत सारे प्रोडक्शन के काम हो सकते हैं, उससे दो आउटकम आते हैं, एक तो शरीर का पसीना निकलेगा और हेल्थ भी बनेगी, दूसरा परिवार के लोगों को भी ये अप्रिसिएशन होगा कि अब हाँ ये हमारे मेंबर भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो ये भी काम। इसके बाद एक्सरसाइज, पोस्चर रेगुलेशन, बॉडी आसन प्राणायाम, ये कर सकते हैं, और फिर भी ठीक ना हो तो मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं, फिर आखिरी में तो ट्रीटमेंट बचा ही है। तो इतनी बात जो है वो हमने की है अभी तक है ना हार्मनी इन ह्यूमन बींग के बारे में, लेकिन ये जो लिमिटेड टाइम में आप लोग को देख नहीं पा रहे टेक्नोलॉजी, इसमें इसकी बहुत डिटेल है। तो जिस जब कभी आप 8 दिन के वर्कशॉप में आने का मन बनाते हैं तो इसकी बहुत छोटे छोटे न्यूआंसेस पे भी हम लोग बात करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो उसमें और ज्यादा डेप्थ में क्लैरिटी बनती है। तो अभी रिक्वेस्ट तो ये है कि इतने को सुन के अगर आपका मन बन सकता है तो आप जरूर कभी 8 दिन के वर्कशॉप में आए तो इन मुद्दों पर भी खुल के बात हो पाए।